हेलो गाइस मेरे दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल न्यू बुलेट है रॉयल इनफील्ड। और इसमें क्या है, गाड़ी चलते चलते सस्पेंशन टूट के जो है बिल्कुल बाहर आ गई और गाड़ी वाले बीच रास्ते में ही फंस गया और मेरे दुकान से करीब 10 किलोमीटर दूर, और मुझे बुलाया। देखिए मैंने क्या जुगाड़ करके गाड़ी को लाया, आपको भी काफ़ी काम देगा ये वीडियो। तो आप मेरे टेक्निकल को देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैंने एक रॉड उठाया आसपास से किसी के दूसरे के घर से, और मैंने जुगाड़ लगाया कि अब हम इसे यहाँ से कैसे लेके जाएंगे, और ये बाइक काफ़ी भारी होती है। तो मैंने क्या किया, इसमें एक रॉड फंसाया और उसके बाद मैंने गाड़ी को चलाते हुए दो गियर में लाया। अब देखिए यहाँ पर एक्सल भी थोड़ा सा बाहर निकल पड़ी थी, यानी कि रात के टाइम में गाड़ी वाला जो है बीच रास्ते में फंस गए थे और मुझे कॉल किया। फिर मैं आया और मैंने क्या क्या जुगाड़ किया, आप इस जुगाड़ को देखिए, और मैंने कौन सा एक्सल लगाया वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो आप देखिए कि इतनी महंगी बाइक है और मैंने आज तक कभी पहले ये मैन एक्सल जो होता है सस्पेंशन ब्रिज जिसमें लगती है, ये एक्सल मैंने कभी टूटा हुआ नहीं देखा था। आज पहली बार आप भी देख रहे होंगे कि बहुत आश्चर्य की बात है। और करीब 2 लाख की गाड़ी होती है बुलेट, और इस तरह टूट के बाहर आ जाना ये कम बड़ी बात नहीं है। तो आप देख रहे हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप फिर से आपको दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं बिल्कुल टूटा पड़ा है, और चेन आप यहाँ पर देखिए, चेन उतर जाता था, गाड़ी वाले ने प्रयास किया लेकिन नहीं चला, क्योंकि चेन भी उतर जाता था, क्योंकि हाउजिंग लेफ्ट राइट करने लगता है, चेन लूज हो जाती है। और मैंने ये सरिया उठाया और मैंने बीच में ही फंसाया, उससे क्या हुआ हमारा हाउजिंग इधर उधर नहीं गया और हमें लाने में काफ़ी परेशानी हुई, पर मैंने ये दिमाग लगाया तो बहुत कम परेशानी हुई। जब मैंने इसको मैंने पैर रख के चलाते हुए बाइक को दुगना किया, टूट गई है और इतना सा टूटा है जितना सा नट इसमें टाइट रहता है। और मैंने इसका एक्सल लगाया इसके अंदर, स्प्लेंडर प्रो गाड़ी की जो कि मैन एक्सल होता है, क्योंकि बुलेट का नाम से नहीं मिल पाया। तो आप देख रहे हैं इस साइड का ढक्कन इधर का नहीं बैठेगा, इसलिए कि हमने स्प्लेंडर का इसमें लगा दिया, क्योंकि स्प्लेंडर का थोड़ा सा जो होता है पतला रहता है और बुलेट का क्या रहता है गुना वाला रहता है। तो मैंने फिलहाल ये लगा दिया, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ ढक्कन नहीं लगेगा इस साइड का, उस साइड का ढक्कन तो लग ही जाएगा। तो आगे आपको इसी तरह वीडियो मिलते रहेगा, आप मेरे चैनल पर बने रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब।